बैक टू चैनल दूसरी अपन डॉक्टर भाई। दोस्तों आज के ब्लॉग में आपको फिर से लेकर आऊँ कार है वन अशोक पिया, जहाँ हमारे पास रहने वाली है क्रेटा। इसके अंदर के हम करने वाले काफ़ी सारा काम, जो सबसे पहला काम हमारा हम गाड़ी के अंदर आपको दिखाने वाले हैं वो रहने वाला है इससे एक्सटीरियर पे, और एज वेल एज हम इसका इंटीरियर पूरा रेडी करने वाले हैं। तो गाड़ी के अंदर एक तरह से देखा जाए तो पूरा काम है ए से लेकर जेड तक, चाहे वो एक्सटीरियर को चाहे वो इंटीरियर को। इवन गाड़ी के अंदर आपको रैप भी देखने के लिए मिलने वाली है। तो मैं पहले आपको गाड़ी दिखाता हूँ इसकी कंडीशन इस टाइम पे क्या है बिफोर रैप। आई भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी, आप बढ़िया। अच्छा भैया, आप आज हम क्रेटा में क्या काम करने वाले हैं? आज मैं इस पे रैपिंग करनी है पूरी गाड़ी पे। ठीक है भैया, और जो टेंटिंग वेंटिंग है थोड़ी सी गाड़ी के टेंट से वो ठीक करेंगे पहले, टेंटर करेगा। अच्छा भैया, एक चीज पूछना चाहूंगा, गाड़ी की इस टाइम पे कंडीशन थोड़ी मैं देख पा रहा हूँ, स्क्रैचेस लगे हैं, सब ठीक होएगा पहले उसके बाद रैप होगी। अच्छा, रैप करने से पहले सारी चीजें जो है पहले ठीक करते हैं, उसके बाद रैप होगी इसके ऊपर। ठीक है, अभी हम इसमें एक्सटीरियर के साथ इंटीरियर भी करने वाले, इंटीरियर सारा चेंज हो रहा है इसमें। हम कर रहे हैं चेरी प्लस व्हाइट कलर में कॉम्बिनेशन में, चेरी प्लस व्हाइट में। एक बार दिखाएंगे अंदर का इंटीरियर जो पहले है कंडीशन वो आप देख लो, उसके बाद देखना ठीक है। चलो पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ गाड़ी के इंटीरियर की कंडीशन इस टाइम पे। अच्छा भैया, ये हमारा इंटीरियर रहने वाला है, पहले है इसका, ठीक है, हम चेंज करेंगे सारा। ये इसका इंटीरियर है, इसको भी अभी हम पूरा जो है प्रॉपर चेंज करने वाले हैं व्हाइट और चेरी कलर के अंदर। देख लो भैया, पूरा इंटीरियर बना हुआ है इस टाइम पे इसका। लेकिन अब आ गया है इसको टाइम इसको चेंज करने का, अपग्रेड करने का, और चीजों की अपग्रेडेशन जो है होती रहनी बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्लॉग, और मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है काम हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसी नजर आती है हमारी गाड़ी आफ्टर रैप। देख रहे भाई, गाड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया यहाँ पे लग रही है। रैप चेकआउट कर लो, ये गाड़ी इस टाइम पे रैप और कहीं से लग नहीं रही है कि ये रैप हो रखी है। आपको सही से दिख सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गाड़ी को, ये रैप हो रखी है पूरी गाड़ी यहाँ पे, और किसी भी एंगल से आपको जो है रैप लगेगा नहीं। गाड़ी लग रहा है कि एक्चुअल कलर इसका ये होगा। गाड़ी को हमने यहाँ पे डुअल टोन में किया है, इसको हमने पूरा ब्लैक में रखा है, छोड़ा है, और ये पूरी गाड़ी यहाँ पे जो है रैप हो रखी है। अभी नीचे के पोर्शन बाकी है करने, सिर्फ अभी नीचे के पोर्शन बाकी है करना जी। ठीक है, अभी नीचे का पोर्शन अभी आप करेंगे ना इसको। अभी क्या क्या बचा है हमारा? एक ये बचा है और एक सिक्योरिटी। ठीक है भाई, कब करोगे भैया फिर इसको? चलो कर दो, स्टार्ट कर दो। जब तक भैया आप पीस निकाल रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आपको इंटीरियर चेकआउट कराता हूँ। इंटीरियर देख लो भाई, चेकआउट कर लो, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। देख रहे हो लेदर सॉफ्ट कोटिंग की हमने इसके ऊपर पूरी, है ना भैया? ये कहीं हटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा अगर आपको लगे तो। यहाँ सामान खींचता रगड़ता रहता है। ये पूरा पीछे का डिग्गी का पार्ट है, इसको हमने पूरा, और ये हमारा पिलर सी पूरा पूरा का पूरा हमने जो यहाँ पे लेदर सॉफ्ट कोटिंग किया। और रूफ देख लो भाई, रूफ भी पूरी हमारी ब्लैक हुई है। अभी भी आप क्या कर रहे हो? लाइट फिक्स कर रहे हो? लाइट फिक्स हो रही है। ठीक है, और एक और जिन जिन भाइयों को लग रहा है कि ये गाड़ी रैप हुई है कि नहीं हुई है, कंफर्म नहीं पता, मैं उनको अंदर से चेकआउट कराता हूँ। ये चेकआउट कर लो, यहाँ से आपको पता लग जाएगा गाड़ी जो है हमारी रैप है। एक्चुअल गाड़ी का कलर है वाइट, और यहाँ रैप करके हमने कर दिया है पूरा ग्रे टाइप। अभी मैं आपको इंटीरियर चेकआउट करा रहा था, तो इंटीरियर में आपको लेके चलूँ। डोर पैनल्स देख लो भाइयों, वो भाई डोर पैनल से कितना बढ़िया लग रहा है यार। मतलब इसमें तीन तरह के कलर है और इतना अच्छा लग रहा है। मैरूम कलर है आपको दिख रहा, वाइट है जिसमें मैरूम से स्टिचेस दे रखी है, और थोड़ी सी गंदी हो रखी है वो साफ़ हो जाएगी। ये पियानो ब्लैक में इसको पूरा किया है, देख रहे हो यार। ये गाड़ी की एकदम से ना जैसे कहते हैं ना जज्बात बदल गए, वही हो गया है। और ये पहले वाला मॉडल है इसका क्रेटा का, और ये इंटीरियर चेकआउट कर लो, डैशबोर्ड हमने पूरा कर दिया है, देख रहे हो। पिलर चेकआउट कर लो, ये अपना लेदर सॉफ्ट कोटिंग हुई है हमारे पिलर्स में भी, और पूरा नीचे तक देख रहे हो। पहले गाड़ी का कलर ब्लैक में था पूरा, अभी कंसोल चेकआउट कर लो, कंसोल भी पूरा हो गया है। ये रखी हुई सीट भी आप देख लो एक बार भाइयों, चलो बढ़िया लग रही है यार सीट भी। ये कंसोल के पार्ट्स वगैरह जितने भी आप देख पा रहे हैं ये सारे रेडी हो चुके हैं, गेट्स लग चुके हैं। मतलब ये लगा लो गाड़ी इस टाइम पे लग रही है पूरी नेक्स्ट लेवल। जितना मैंने सोचा था मेरी एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी बनी है यहाँ पे गाड़ी। और अभी स्टिल काम चल ही रहा है इसका, थोड़ा बहुत काम इसका बचा है, थोड़ा बहुत रैपिंग का काम बचा हुआ है, इंटीरियर में भी थोड़ा बहुत अभी इसका काम बचा हुआ है। इसकी मैं आपको सीट चेकआउट कर लूँ। हमने जो है अलॉय भी यहाँ पे जो हाइड्रोडिप किए हैं, ऑल दो थोड़े से गंदे हो रखे हैं, मिट्टी मिट्टी लगी हुई है क्योंकि बारिश बारिश हुई होगी उसकी वजह से। बाकी चेकआउट कर लो, बड़े बढ़िया लग रहे हैं हाइड्रोडिप करने के बाद। गाड़ी का इंटीरियर जो है यहाँ पे एकदम नेक्स्ट लेवल का हो चुका है, देख रहे हो। यहाँ पे अब हम कर रहे हैं रैप स्टार्ट। तो बेसिकली भैया यहाँ पे पहले कर रहे हैं कटिंग अपने रैप के ऊपर, कि मतलब कितने की नीड है, अनवांटेड हम इसको यूज़ ना करें। मतलब अनवांटेड क्या यूज़, मतलब ख़राब नहीं होनी चाहिए ना, बस वही बात है। तो यहाँ भैया पहले कटिंग कर रहे हैं रैप की, और रैप अपनी रहने वाली एविडेंशन देख लो।
चेकआउट कर लो भैया, पीछे से भैया ने रैप करनी स्टार्ट करी और आगे तक कर दी है। पॉल दो, थोड़ी बहुत फिनिशिंग अभी होनी बाकी है इसमें। अभी भैया पहले इसको बिठा रहे हैं, उसके बाद इसमें जो है प्रॉपर फिनिशिंग है ये यहाँ पे देंगे। इसमें रैप करने के बाद गाड़ी लगती है एकदम अलग, देख रहा ज़बरदस्त। और इस कलर की रैप मैं ये नहीं बोलूँगा वन एंड ओनली है, बट अच्छी बहुत लग रही है। अब आप खुद ही डिसाइड कर लेना आपने देखी है कि नहीं देखी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वन एंड ओनली है, बस आप देखो और आप खुद डिसाइड करो कि ये एक वन एंड ओनली है कि नहीं है। अगर आपने देखी है तो कमेंट ज़रूर करना, मुझे ही पता लग जाएगा कि इस कलर की रैप पहले हुई है। वैसे हो रखी होगी यार, अच्छा लग रहा है काफ़ी कलर। इसके अंदर का इंटीरियर इतना ज़बरदस्त बना है ना, मज़ा आ गया देखने। मतलब अच्छी ऐसी गाड़ियाँ अगर बन रेडी होती है ना तो उनका शूट करने में भी मज़ा अलग ही आता है। और इस टाइम पीछे थार में कुछ काम चल रहा है, देखे थार में काम चल रहा हो। यहाँ पे अब आ गए हैं गाड़ी में चेक करने के लिए, काफ़ी हद तक काम गाड़ी का कंप्लीट हो चुका है। तो भैया हमारे अब इसमें जो है मेन फिनिशिंग दे रहे हैं। भैया अच्छा अभी आप क्या कर रहे हो उसके अंदर? भैया ये जो क्या नाम है आमरेस वगैरह रह गया था इसकी फिटिंग बंद कर, फिटिंग कर रहे हो? ठीक है। और सीटें रह गई फ्रंट की दो और नीचे की बैठक रहेगी वो, मतलब ज़्यादा काम नहीं रह गया इसके अंदर? ज़्यादा काम नहीं रह गया, छोटा मोटा देखें तो छोटा मोटा जो कमी बेसी है। हाँ ठीक है। तो भैया यहाँ पे जितनी भी गाड़ी के अंदर कमी बेसी जो रह जाएगी भैया जो है उसको कर रहे हैं सॉर्ट आउट। और इस टाइम पे भैया कर रहे हैं इसका आमरेस सेट, देख रहे हो पूरा आमरेस भी रेडी किया हुआ है। डैशबोर्ड तो और भी ज़्यादा जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ पे हो रही है अपनी क्रेटा की पूरी वैक्यूम क्लीनर से क्लीनिंग, क्योंकि गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई थी काम करते करते। दिखाता हूँ आपको कितनी साफ हो चुकी है इस टाइम पे। इंटीरियर चेकआउट कर लो, पूरा साफ हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत काम से बचा हुआ है। एक बार इसको पूरा कंप्लीट होने देते हैं, उसके बाद पूरी गाड़ी आपको मैं पूरी चेकआउट कराऊँगा बम्पर टू बम्पर। तो यहाँ पे हुई अपनी क्रेटा पूरी तरह कंप्लीट। तो भैया हमें पूरा बम्पर टू बम्पर बताइए इस गाड़ी का। ये सीधे पे तो हमने इसमें जो करा है पहले हाइड्रो डिपिंग करी है ग्रिल इसकी, हाइड्रो डिपिंग करी भैया ग्रिल, ठीक है भैया। लॉक ब्लैक में ठीक, सारा एक्सटीरियर में कलर चेंज करा है रैपिंग से, रैप की पूरी गाड़ी हमारी मैट ग्रे करी है, ठीक है। पूरा इसके साइड में हाइड्रो डिपिंग करी है, अलॉयज हाइड्रो डिपिंग करी है। अच्छा साइड में भी हाइड्रो डिप किया है इसके, साइड में चेकआउट कर लो भैया यहाँ पे, ये सारे हमारे हाइड्रो डिप हैं, सारे हमारे यहाँ पे हाइड्रो टिप हैं, ठीक है भैया। और उसके बाद हम इंटीरियर में सारा अपना अलॉयज ग्लॉस ब्लैक करेंगे, हाइड्रो टिपिंग भी करेंगे, हाइड्रो टिप मैंने अलॉयज में भी किया हुआ है। और अब गाड़ी के अगर इंटीरियर पे लेके चले आप लोगों को, तो भैया इंटीरियर लग रहा है इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया। आपको इंटीरियर हमने पहले दिखाई दिया था कैसा था इसमें, हाँ, और अब आप चेंज देख ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका इंटीरियर इस टाइम पे। तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इंटीरियर इस टाइम पे आप लोगों को कैसा लग रहा है। अच्छा भैया हमने इंटीरियर रेडी करने में कितना टाइम लग जाता है हमको? चार दिन। अभी हमने सिर्फ किया क्या क्या एक बार बताएंगे। मैं डैशबोर्ड पे, डैशबोर्ड पे हमने ये अपर पार्ट जो करा है इसमें लेदराइट कोटिंग होती है, लेदराइट कोटिंग भाई, हाँ जी ठीक है। और ये इस पे प्रॉपर लेदर लगा है सेंटर पार्ट पे, जितना भी व्हाइट पार्ट है सारा लेदर है, कोई कोटिंग नहीं है, ठीक है। ऐसे स्ट्रेचेस भी देख पा रहा हूँ, ठीक है भैया। अभी और भी इसके हमने इसमें और काम किया, और इसमें अंदर इसकी जो रूफ है इसको ब्लैक लैमिनेट करा है सारा, पूरा रूफ ब्लैक कर दिया यो। हाँ जी अच्छी लग रही है, मतलब ब्लैक के साथ ये टोन बहुत अच्छा लग रहा है वाइट और इसमें, ठीक है। इंटीरियर साथ स्टीयरिंग रैप करा है प्रॉपर, स्टीयरिंग हमने पूरा प्रॉपर रैप अंदर इसमें ये हाइड्रो डिपिंग कराई दी है स्टीयरिंग पे, और जिसकी हमने सीट्स इसकी कस्टमाइज कराई है
इसको एक्स्ट्रा लेग सपोर्ट थाई सपोर्ट के लिए कराई है। अच्छा थाई थाई सपोर्ट एक्स्ट्रा है। हाँ जी एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट है, तो कस्टमर की ना वो रिक्वायरमेंट थी। अच्छा रिक्वायरमेंट थी। हाँ जी हमारे एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट थी, साथ में इसमें कम्बिनेशन सारा ये दिया आपका हाइड्रो डिपिंग का। देखो भाई यहाँ दिखाया तो भैया वहाँ दिखा रहे हैं हाइड्रो डिपिंग, देख लो भाइयों। और ये भैया ने बताया कि जैसे डोर पैनल हमने लेदर में किया है स्टिचेस के साथ, देख लो भाई यहाँ पर नज़र आ रहा बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी में यहाँ पे काम हुआ है। साथ में आप हाइड्रो डिप भी आप देख पा रहे हैं साथ में, ठीक है। इवन हमने भैया इसके ब्लोअर के पार्ट को भी हाइड्रो डिप किया हुआ है, ये भी करा है। स्टीरियो वाला पैनल भी हाइड्रो, स्टीरियो के पैनल को भी हमने हाइड्रो डिप किया हुआ है, ठीक है। और साथ में हमने इसके अंदर एमियन लाइट भी इसके अंदर इंस्टॉल करी है, एटमोसफेयर लाइट भी है 70 मैक्स हमने इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए डाले हुए हैं। भैया ये थी हमारी आज क्रेटा, भैया हमारी क्रेटा बेसिकली ओल्ड मॉडल थी है। हाँ टाइप वन क्रेटा, टाइप टू क्रेटा, सॉरी हाँ टाइप टू क्रेटा है। तो यूजुअली लोग अपनी गाड़ी को पुराना होने के बाद जो है सेल आउट कर देते हैं, अरे वो कह रहा अभी मेरे को चेंज नहीं कर रही, तो इसी को एनहांस कर दो, लुक से एनहांस कर दो इंटीरियर की एक्सटीरियर की रिस्टोरेशन। हाँ जी तो उसमें क्या है कि गाड़ी कस्टमर की चॉइस के हिसाब से बन गई है और कह रहा है साल दो साल और चला दो, हाँ। मन भर गया था कह रहा है गाड़ी चेंज नहीं करनी बट हाँ। आप कुछ अच्छी बना दो, ठीक है। तो भाई यूजुअली ये होता है कि आप में से कई लोग होते हैं गाड़ी से अटैचमेंट होती है, गाड़ी को सेल करना नहीं चाहते हो, और ये होता है कि क्या कहते हैं आपको सेल भी नहीं करनी है रख भी नहीं पा रहे हो ना भैया। और वैसे यूजुअली आपने देखा होगा ज्यादातर आपको मार्केट में मिलेगा टैन इंटीरियर। हाँ जी ये आपको डिफरेंट इंटीरियर मिला है, बहुत अलग है ये वाला, तो डिफरेंट है कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है। टैन में बहुत कॉमन है भैया, बहुत कॉमन है, ये कलर ही अलग है, ठीक है। और भैया ने जो कलर इसके अंदर किया है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग भी लग रहा है ना, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक भी दे रखा है, व्हाइट में भी है और मैरून में भी है, मतलब काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो विद दैट सेट अगर आपको भी अपनी गाड़ी में इस तरीके का काम करवाना, चाहे तो नई न्यू कार हो चाहे तो रीस्टोर करवाना चाहते हो अपनी पुरानी कार को, तो आप आ सकते हैं कार हैवन अशोक विहार, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा भैया हमारा क्लोजिंग डे कौन सा होता है? मंडे, हमारा वीकली ऑफ है, मंडे भैया का वीकली ऑफ है, बट इनकेस अगर आपके पास मंडे को ही टाइम है तो आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो ना भैया। यही था हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल का, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन जरूर दबाना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे आपको और वीडियोज़ के। चलिए मिलते हैं भैया के फ्यूचर में और वीडियोज़ में, टिल देन बाय।